एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के अंदर क्या करना है, हमारे पास दो केस थे। रूल नंबर वन, ऑब्जेक्टिव का लेंस बड़ा है, आईपीस का लेंस छोटा है। ये जो इमेज इंफिनिटी से आ रही है, ये इमेज कहां पर बनाएगा? एफ ओ पे बनाएगा। और ये क्या करेगा, इमेज कहां पर बनाएगा? ये इसको कहां पे मानेगा? एफ ई पे। तो लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप क्या है? एफ ओ प्लस एफ ई। क्लियर है यहां तक? एफ ओ प्लस एफ ई। अब इसकी जो मैग्निफिकेशन थी, इसके फॉर्मूलाज आप नोट कर सकते हो। इसमें दो चीजें हमने की थी, फॉर्मूला बुकलेट में लिख सकते हो। इसमें आप फॉर्मूलाज में नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब होता है व्हेन इमेज इज फॉर्मड एट इन्फिनिटी। तो मैग्नीफाइंग पावर है एफ ओ बाई एफ ई, और लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप क्या है? एफ ओ प्लस एफ ई। और दूसरे केस में अगर इमेज लीज डिस्टेंस के ऊपर है, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है एफ ओ बाई एफ ई इंटू वन प्लस एफ ई बाई डी। तो ये फॉर्मूला है, और इसमें लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप क्या है? एफ ओ प्लस यूई। एफ ओ प्लस यूई, इसे नोट कर लें। तो करें स्टार्ट ये क्वेश्चन। देखो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब इमेज इज फॉर्मड एट इंफिनिटी इज 100। तो मैग्नीफाइंग पावर कितनी है? 100 है। द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस 101। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में इंफिनिटी वाले केस में तो टोटल लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप क्या होता है? एफ ओ प्लस एफ ई। इसकी लेंथ क्या गिवन है? 101। मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है? एफ ओ बाई एफ ई। तो एफ ओ बाई एफ ई एक इक्वेशन, इन दोनों का सम एक इक्वेशन, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके एफ ओ एंड एफ ई कैन बी कैलकुलेट आंसर। मेथड क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट।
क्वेश्चन देखो, टेलीस्कोप ऑब्जेक्टिव हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 100 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्टिव एफ ओ गिवन है। व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, द डिस्टेंस बिटवीन लेंस इज 105। अब यहां पर इमेज इंफिनिटी पे नहीं बन रही, लीस्ट डिस्टेंस पे बन रही है, और आज हमने अभी दो केस किए थे। लीस्ट डिस्टेंस के ऊपर लेंथ ऑफ टेलीस्कोप क्या होगी, एफ ओ प्लस एफ ई, नहीं एफ ओ प्लस यू ई, इसका सम 105 है, और फोकल लेंथ आपको ऑब्जेक्टिव की पता है 100 है। तो ये अगर 100 है, ये 105 है, तो यहां वैल्यू पुट करके क्या आ गया, यू ई आ गया, यू ई आ गया। क्या निकालना है आपको, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। अब आई पीस के लिए फाइनल इमेज कहां पर बन रही है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो वीई की वैल्यू -25। ज्यादातर क्वेश्चन में जिसमें लीस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन होता है उसमें वीई हमेशा -25 ही रहता है, आपने चेक कर लिया सारे क्वेश्चन में, और यूई की वैल्यू हमने निकालनी यहां से -5, तो लेंस का फॉर्मूला लगा के क्या आ गई, फोकल लेंथ था, एफ ई आ गया। फिर कह रहे मैग्नीफाइंग पावर निकाल दो, मैग्नीफाइंग पावर इन केस ऑफ लीस्ट डिस्टेंस डिस्टिंक्ट विजन का फॉर्मूला पुट कर दो, एफ ओ पता है, एफ ई पता है, डी पता है, और एफ ई पता है आंसर। मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे करना है, कोई डाउट इसमें, फॉर्मूलाज याद होने चाहिए और डायग्राम थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि क्या डायग्राम है, ठीक।